हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। हर तरह की केस स्टडी हमारे एग्ज़ाम में हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की केस स्टडी आ जाती है, हमको हर तरह के केस स्टडी के लिए तैयार रहना चाहिए। तो उसी मेरे नोट्स की ही एक केस स्टडी है जो मैं आपके लिए लेके आई। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला था, मैम इन केस स्टडी को आप वीडियो में भी करवा दीजिएगा, क्योंकि उनको डायरेक्ट समझ में नहीं आती हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मैं उन सभी चीज़ों का वीडियो आपको बनाती हूँ जिनमें आपको परेशानी होती है, लाइक केस स्टडी, जो आपका हिंदी में पत्र लेखन, प्रारूप लेखन है, मेंस में आंसर राइटिंग को कैसे कैसे, किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं, प्रीलिम्स के कैसे आते हैं, साथ ही साथ में जो भी एग्ज़ाम आता जाता है, मैं उसके लिए वीडियो बनाती हूँ और उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो आज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा संवेदनशील है, बहुत ध्यान से हमको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। साथ में फ्रेंड्स, ये जो एक सेकेंड रुकिएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जो मेरे नोट्स हैं वो ये एथिक्स के नोट्स के साथ आपको केस स्टडी जो मिलेंगी उन केस स्टडी का एक पार्ट है। तो पहले बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक दिन आप अपने छोटे भाई का स्कूल बैग चेक कर रहे थे, आपके भाई का, कि अचानक आपको कुछ गंदी पत्रिका उसमें से निकलती मिलती है, जिसमें कई चित्र ऐसे हैं जो आपको लगता है कि उसकी उम्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी उम्र अभी 13 वर्ष ही है और आपको लगता है कि वह माता पिता या आपकी बातों को अधिक महत्व नहीं देता। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प है जिसे आप चुनेंगे? देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन है कि आप एक बार आपके छोटे भाई का बैग चेक कर रहे हैं और कुछ में आपको वहाँ पे कुछ ऐसी बुक मिली है जिसमें जो चित्र हैं वो सही नहीं है, और जो आपका जो भाई है उसकी उम्र 13 वर्ष है और आपको लगता है कि वह माता पिता या आपकी बातों को अधिक महत्व नहीं देता है। ऐसी स्थिति में आपके पास क्या विकल्प रहेंगे जिसे आप चुनेंगे? अब आपको अपने विकल्प लिखना है ना। तो अब हम लिखेंगे आंसर में, कैसे लिखेंगे कि इस स्थिति में हमारे पास 3 विकल्प होंगे जिसमें से एक का चयन किया जाएगा। इस स्थिति में हमारे पास 3 विकल्प होंगे जिसमें से हम एक का चयन कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैं इस घटना की जानकारी अपने माता पिता को दूं, ताकि वे कड़ाई के साथ, मतलब बहुत कठोरता के साथ, स्ट्रिक्टली मेरे छोटे भाई से पेश आए और उसे गलत करने से रोके। एक मेरे, हम लोग सभी के पास जब हम छोटे होते हैं ना, हमारे पास यही होता है कि हमारा छोटा भाई होता है या बड़ा भाई बहन होता है तो हम उसकी अपने पेरेंट्स से शिकायत कर देते हैं। तो एक विकल्प हमारे पास हमेशा यही रहता है। दूसरा रहता है, मैं अपने स्तर पर इस समस्या का समाधान करूं और माता पिता तक यह जानकारी ना पहुंचने दूं। दूसरे कुछ समझदार भाई बहन रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं ही अपने छोटे भाई बहन को समझा देता हूं, पेरेंट्स तक ये बात नहीं पहुंचने देता हूं। तीसरा है, मैं इस घटना को अनदेखा कर दूं, क्योंकि यह इस उम्र में होता है और मुझे इस घटना से परेशान नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या कर दूं? हाँ, होता रहता है, मैं रोकूंगा तो कोई प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे होते हैं लापरवाह, जो खुद भी ऐसे होते हैं और भाई बहनों को भी नहीं रोकते। तो ये 3 विकल्प उस समय व्यक्ति के मन में चलते हैं। मैं पहले विकल्प को नहीं चुनूंगा, क्योंकि इसमें 2 समस्याएं हैं, क्योंकि मेरा भाई माता पिता की बातों को तो मानता ही नहीं है और ज़िद्दी और विरोधी स्वभाव का है। इसलिए यह समस्या हो सकती है कि उनके माता पिता के हस्तक्षेप के कारण वह ऐसी गतिविधियों में और ज़्यादा लिप्त हो जाए। सेकेंड, माता पिता के हस्तक्षेप से मेरा और उसका संबंध और कड़वा हो जाएगा, जो पहले से ही अनुकूल नहीं है। भाई बहनों में हमेशा लड़ाई होती रहती, और शिकायत कर दूंगा तो वो और यही समझेगा कि ये मेरे लिए बुरे हैं। तीसरा विकल्प भी नहीं चुनूंगा, क्योंकि समस्या को टाल देने से समस्या और बढ़ जाती है। भाई ऐसी गतिविधियों में लिप्त हो चुका है, ऐसे में इस घटना का ध्यान ना देना नैतिक लापरवाही होगी। ये नैतिक शब्द यूज़ ज़रूर करना है। मैं दूसरे विकल्प का चयन करूँगा, क्योंकि यह बाकी दोनों से बेहतर। देखिए, हम पहले विकल्प सोचेंगे, फिर विकल्प हम लिखेंगे कि हम इन विकल्पों में से कौन से विकल्प को चुन रहे हैं, वो हम लिखेंगे। तो यह ठीक है, वह मेरी बात भी नहीं मानता, चूँकि हम दोनों एक ही पीढ़ी के हैं और उम्र अंतराल कम है। इसलिए मैं इसकी संभावना को साकार करना चाहूँगा कि मेरा उससे समुचित संवाद हो सके। अब आप क्या कदम उठाएंगे? मैं निम्नलिखित कदम उठाऊँगा। सबसे पहले मैं उसे पता लगने दिए कि मैं बिना उसे पता लगने दिए कि मैं इस बात को जानता हूँ, यह पता लगाने का प्रयास करूँगा कि वह किस हद तक इस गतिविधि में शामिल है। यह जानने के लिए मैं उससे हंसी मजाक करूँगा, मतलब उसकी बातें लेने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसी बात करूँगा जिससे उसे लगे इस विषय पर बात करना सामान्य है।
और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करूँगा कि वह अपने मन की बातें मुझसे साझा करें। यह विश्वास दिलाऊंगा कि वह यह बातें मुझ तक ही रहेंगी और माता पिता तक नहीं जाएंगी। मैं ध्यान रखूंगा कि उसकी सामान्य समस्या का समाधान हो, किंतु विकृत तरीके से नहीं। साथ ही उसे सहज से समझाऊंगा कि ऐसी घटनाओं में वास्तविक रूप से लिप्त होना शारीरिक व मानसिक तौर पर कितना घातक हो सकता है। मतलब मैं अपने स्तर से हर संभावित प्रयास करूंगा। घर में इंटरनेट पर किसी युक्ति के माध्यम से कोशिश करूंगा कि उसके पास ऐसी विकृत सूचनाएं ना पहुंचे। साथ ही स्कूल बैग सामान के अन्य स्थानों तथा उसके निकटतम मित्रों के व्यवहार पर भी सजग रखूंगा। उसका स्कूल बैग मैं डेली चेक करता रहूंगा, उसको बिना बताए, और उसकी जो फ्रेंड सर्कल है उन पर भी ध्यान देता रहूंगा। अंतिम कोशिश यह करूंगा कि उसके व्यक्तित्व रुचियों के अनुरूप उसे ऐसे सृजनात्मक कार्य जोड़ने से के लिए प्रेरित करूंगा जिससे उसे आनंद मिले और उसको संतोष मिले। यह आनंद काफ़ी हद तक उसे यौन रुचियों विशेषता विकृत रुचियों को और बढ़ने से रोकेंगे। तो इस प्रकार मैं अपने भाई को इस बड़ी समस्या से रोक पाऊँगा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारी एक केस स्टडी। इसी तरह की और केस स्टडी के लिए आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं एथिक्स के 490 जिसकी प्राइस है सॉफ्ट कॉपी की, और 1000 जिसकी हार्ड कॉपी की प्राइस है। इसमें आपको केस स्टडी की एक अलग फ़ाइल मिलेगी और आपको नोट्स की अलग फ़ाइल मिलेगी। थिंकर्स किस तरह कवर कराए जाएंगे मैंने अपने लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है। साथ ही अगर आप मेरे पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो मेरा पूरा पैकेज का चार्ज 8500 रुपये, इसी तरह सॉल्ड पेपर का चार्ज 1850 रुपये है। जो भी अगर आप पूरा पैकेज लेना चाहते हैं तो ये पूरा पैकेज सॉल्ड और ये जो नोट्स का है ये आपको 95,000 रुपये में मिलेगा। 1000 इसका चार्ज आपके लिए रहेगा अगर आप फुल पैकेज लेते हैं तो। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो शायद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 6260190944 पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।